श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु श्रृंगारवट वृंदावन। श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु वृंदावन में श्री नित्यानंद प्रभु की गद्दी के प्रतिष्ठाता श्री परमानंद एवं श्री नंदकिशोर गोस्वामी प्रभु की चौथी पीढ़ी में थे। प्रभु के प्रिय भक्तों की पहचान जिन गुणों से होती है वे सभी उनमें विद्यमान थे। आकर्षक तेज पूर्ण कलेवर की झलमलाती कांति, कीर्तन में परमावश्यता, व्यवहार मुदारता, दैन्य मिष्टभाषिता और भक्ति शास्त्रों में पारदर्शिता उनके व्यक्तित्व के पारलौकिक तत्व के सूचना देते थे। श्री नरसिंहानंद प्रभु उनके ताऊ श्री पूर्णानंद गोस्वामी प्रभु के लड़के थे और वे नरसिंहानंद प्रभु जब कीर्तन में खड़े होकर नृत्य करते तो लगता कि उनमें जैसे नेताई गौर का आयुर्वाह हुआ हो। उनके कीर्तन की सूचना पाकर स्त्री पुरुष श्रृंगारवट की ओर दौड़ पड़ते। प्रभुपाद कीर्तन में इतना तन्मय हो जाते कि उनको समय का भान न रहता। दर्शकगण भी उसी प्रकार तन्मय हो भूखे प्यासे लंबे समय तक बैठे रहते। कभी कभी रात्रि 12 बजे तक दर्शकों की स्थिति में बैठा देखा गया। उन्हें कब भाव चेतना होती तो कुछ कार्य परिचालक श्री युगलदास को समागत भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था करने का इंगित करते। श्री युगलदास प्रभुपाद के अनुगत थे, उनकी आज्ञा का पालन करने में सदा तत्पर रहते थे। वे ऐसे अवसरों के लिए पहले ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखते थे। ना जाने कब प्रभुपाद का इस प्रकार का इंगित हो जाए। ऐसे आयोजन श्रृंगारवट में अक्सर होते ही रहते थे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मानंद प्रभु के पास जो कोई कुछ मांगने आता वह खाली नहीं जाता। एक बार नरसिंहानंद प्रभु के छोटे भाई श्री प्रेमानंद प्रभु ने अपने शिष्य माधवदास बाबा से उनके विषय में कहा था, दादा अपने प्रभाव से कम 2 लाख रुपये का उपार्जन किया पर एक पैसा भी नहीं रखा। प्रभु संतान होने के कारण ब्रह्मानंद प्रभु सभी के पूज्य थे, पर वह अपने स्वाभाविक देने के कारण सभी को पूज्य मानकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उस दिन उनके पिता का उत्सव था। उस समय के प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री कृष्णदास बाबा जी उत्सव में कीर्तन करने आए थे। सारा दिन कीर्तन हुआ, दूसरे दिन नगर कीर्तन था। रात्रि में प्रभुपाद ने श्री कृष्णदास बाबा जी की सैया अपने निकट बिछवाई। दिन भर के परिश्रम से क्लांत बाबा जी को झट नींद आ गई। तब प्रभुपाद सैया से उठकर धीरे धीरे उनका बदन दबाने लगे। कुछ देर बाद बाबा चौंक कर बोले, कौन? प्रभुपाद ने कहा, कोई गोलवाल मत करो, कल तुम्हें नगर कीर्तन करना है। श्री प्रभुपाद भक्तिराज जी की जिस भूमिका का अवस्थान करते थे उनका संकेत उनके जीवन की एक दो घटनाओं से मिलता है। एक बार जब वे श्रीपाठ पूर्णिया में थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का ठीक मध्यान्ह में परलोकवास हो गया। उस समय वे आनिक से उठे थे। आत्मीय स्वजन शोकार्थ हो क्रंदन कर रहे थे, पर प्रभुपाद ने उधर दृष्टिपात भी नहीं करा। वे ठाकुर गृह में प्रवेश कर गए। ठाकुर का भोग लग जाने के पश्चात पुजारी से प्रसाद मांगकर ग्रहण किया। इसके पश्चात दैनिक भजन में संलग्न हो गए, जैसे पुत्र के मरने की घटना से उनका कोई संबंध न हो। जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, इसमें चिंता करने की क्या बात थी, वे तो उसी की सेवा पूजा में लगे थे, ये उनका नित्य संबंध था। बंधु बाधव ने पुत्र के मृतदेह का संस्कार किया। इसके पश्चात अक्रोध परमानंद प्रभुपाद के मुख से किसी ने इस प्रसंग में कुछ भी नहीं सुना। वे जैसे परमानंद स्वरूप थे वैसे ही अदोषदर्शी भी थे। एक बार उनके आश्रित किसी भक्त के चरित्र दोष के संबंध में किसी ने कुछ कहा। वे बोले, भाई उसमें उसका क्या दोष है? दोष है तो मेरा है। यदि मैंने यथा समय उसके संबंध में अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो मुझे यह बात क्यों सुननी पड़ती। इतना कह के उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उसे 10 रुपये देकर कहा, तुम कुछ दिन मेरी बहन के घर जाकर रहो, मैं बुलाऊंगा तब आना। एक बार गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शिष्य द्वितीय सिद्ध कृष्णदास बाबा ने ब्रह्मानंद प्रभु को राधा रानी की श्रृंगार लीला सुनाना आरंभ की। श्रोता वक्ता दोनों ऐसे भाव विभोर हो गए कि एक प्रातःकाल से दूसरे प्रातःकाल तक निरंतर श्री राधा रस रसारणों में डूबते उतरते रहे। प्रभुपाद श्री राधा समुद्र के ही मत्स्य थे। वे कथा कीर्तन पूजा आनिक के बहाने सदा उसी में डूबे रहते। बाह्य जगत से उनका संबंध केवल इतना ही था जितना शरीर रक्षा के लिए आवश्यक था। सन 1898 की ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उन्होंने उसमें ऐसी डुबकी लगाई कि उसके आनंदमय अतल तल में सदा के लिए प्रवेश कर गए। श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु की जय हो। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।